हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज दिस इज अ कंप्यूटर मेमोरी, एक कंप्यूटर मेमोरी है और आपको क्या करना है, ये कंप्यूटर मेमोरी में कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, कुछ डेटा स्टोर करना है। आप कैसे एक्चुअली इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो? एक तो ये जो मेमोरी होती है उसको क्या रहता है, एक एड्रेस रहता है। फॉर एग्जांपल ये 1000 ये मेमोरी का एड्रेस है, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक का एड्रेस है 1000 ये मेमोरी ब्लॉक का। या अब दूसरी चीज़ है कि ये जो मेमोरी लोकेशन है उसको आप क्या कर सकते हो, एक नाम दे सकते हो, कैन गिव वन नेम टू दिस मेमोरी। तो दो तरह से, एक तो जो एड्रेस है उस एड्रेस में स्टोर करो, नहीं तो जो मेमोरी लोकेशन है उसको क्या करो, एक नाम दे दो। इस दो तरह से आप क्या कर सकते हो, इस लोकेशन में डेटा आप स्टोर कर सकते हो। तो इसको नाम कैसे देना है, तो सी लैंग्वेज में हम क्या कर सकते हैं, उसको नाम देने के लिए पहले लिखना है डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम। वेरिएबल, तो अभी ये डेटा टाइप्स क्या होता है और ये वेरिएबल नेम्स क्या होता है। ओके, तो डेटा टाइप्स यानी क्या होता है कि हम ये जो मेमोरी लोकेशन है या तो उस मेमोरी लोकेशन में हम कौन सी टाइप की वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, विच टाइप ऑफ वैल्यू हम स्टोर करना चाहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसका डेटा टाइप। फॉर एग्जांपल अगर मुझे वो मेमोरी लोकेशन में मार्क्स स्टोर करने, 45 75 स्टूडेंट्स के मार्क्स मुझे स्टोर करने हैं, 80 इस तरह से नंबर स्टोर करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, इंट एक डेटा टाइप रहता है, वो मुझे इंट डेटा टाइप लेना पड़ेगा। या मुझे कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज ये करने हैं, टेम्परेचर स्टोर करना है, 37.43 ये जो है टेम्परेचर स्टोर करना है, या अलग अलग फ्रैक्शन वैल्यूज या परसेंटेज स्टोर करना है, मार्क्स मार्क्स परसेंटेज जो रहता है 74.5। तो ये जो फ्रैक्शन वैल्यूज है तब हम क्या करते हैं, फ्लोट ऐसे डेटा टाइप की। या मुझे कुछ ये जो मेमोरी लोकेशन है ना उसमें कैरेक्टर स्टोर करना है, एक कैरेक्टर है या बी इस तरह का कैरेक्टर स्टोर करना है, तो हम क्या करते हैं, कैर यानी कैरेक्टर डेटा टाइप देते हैं। तो हमें इस मेमोरी लोकेशन में कौन सी टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है उसको क्या बोलते हैं हम, डेटा टाइप। तो सिंपल है, वेरिएबल आपको वेरिएबल या जो मेमोरी लोकेशन उसको नेम असाइन करना है, तो हम सिंपल क्या करते हैं, डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम्स, ये जो है ये फॉर्मेट, ये जो सिंटैक्स है वो सिंटैक्स हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये सिंटैक्स बोलते हैं हम, सिंटैक्स यानी जो भी हम फॉर्मेट फॉलो करते हैं सी लैंग्वेज में, कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करना है, फंक्शन कैसे लिखने हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसका जो फॉर्मेट होता है उसको क्या बोलते हैं, सिंटैक्स। तो वेरिएबल कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं, तो डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम्स। फॉर एग्जांपल अगर मुझे मार्क्स स्टोर करनी है तो मैं क्या करूँगा, इंट मार्क्स, ये जो स्टूडेंट को एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं मुझे वो डिक्लेयर करने के वो जो स्टोर करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस तरह से इंट मार्क्स ऐसे क्या करूँगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। तो यहाँ पे ये मार्क्स क्या है, वेरिएबल है, इंट क्या है, डेटा टाइप है। डेटा टाइप क्या बताता है कि हम कौन से टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो इंट है तो हम होल नंबर्स, इंटीजर नंबर्स हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और ये मार्क्स क्या है, वेरिएबल नेम, यानी फॉर एग्जाम्पल ये जो एड्रेस है 1000 इसको नाम असाइन किया मार्क्स। ओके, और मैंने फिर मार्क्स जो है ना, मार्क्स इज इक्वल्स टू 75 ऐसी वैल्यू असाइन की। तो ये जो 75 वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, इस मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाएगी। अगर मुझे क्या करना है, ये जो 75 है ना, ये 75 वैल्यू हटा के मुझे क्या करना है, 80 वैल्यू स्टोर करना है, तो मैं 80 वैल्यू भी क्या कर सकता हूँ, स्टोर कर सकते हैं। सिर्फ मुझे नेक्स्ट क्या करना है, मार्क्स इज इक्वल्स टू 80। तो जो पहली वैल्यू है, ये पहली वैल्यू क्या हो जाएगी, 75 जो है वो रिमूव हो जाएगी, और उसके बाद ये क्या करे क्या किया जाए, 80 जो वैल्यू है, ये 80 वैल्यू क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। तो एक्चुअली इसमें क्या करते हैं हम,
अलग अलग वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, एक ही मेमोरी लोकेशन में हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, यानी वेरिएबल्स वैल्यू अलग अलग, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। एंड एक्चुअली एक्चुअल डेफिनेशन क्या है वेरिएबल की, डेफिनेशन क्या है, इट इज अ नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन। तो ये जो मेमोरी लोकेशन है इसको हम एक नाम देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ओके, तो ये जो लाइक मार्क्स, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया इंट मार्क्स, तो ये हम क्या कर सकते हैं, रैंडमली कोई भी नाम ले सकते हैं, रैंडमली वो जो पसंद है वो ले सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं और उसमें कुछ रूल्स रहते हैं लाइक ये नेम चूज करने के लिए। तो ये रूल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, कैसे लाइक रूल्स वेरिएबल नेम हम दे सकते हैं, चूज कर सकते हैं। ओके, तो एक सिंटैक्स है कि डेटा टाइप वेरिएबल नेम्स। अगर आपको, मैंने अभी क्या किया है यहाँ पे, मार्क्स एक वेरिएबल मैंने क्या किया है, डिक्लेयर किया है। अगर मुझे फॉर एग्जांपल एट ए टाइम 5 to 6 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, 10 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, या मुझे 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो सिंपल है, इंट लाइक जो है अपना वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, वेरिएबल 4, वेरिएबल 5, वेरिएबल 6। तो मैं वेरिएबल 1 में फर्स्ट सब्जेक्ट से मार्क्स स्टोर करूँगा, वेरिएबल 2 में सेकंड, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे 6 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, तो इस तरह से हम मोर देन 1 वेरिएबल्स भी क्या कर सकते हैं, विद इन 1 स्टेटमेंट हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हो गया मल्टीपल वेरिएबल्स इन अ सिंगल लाइन। ओके, तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल दिया है इंट, मैं लाइक यहाँ पे फिर से एक बार लिखता हूँ लेफ्ट साइड में, इंट मार्क्स। हम ये जो स्टेटमेंट लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो ये जो मार्क्स है, ये वेरिएबल हम क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, या वेरिएबल एक क्या कर रहे हैं, एक मेमोरी लोकेशन को असाइन कर रहे हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ इंट मार्क्स इज इक्वल्स टू 75, यानी जब मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ उसी टाइम मैं वैल्यू उसको क्या कर रहा हूँ, असाइन भी कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है कि वैल्यू गिवन टू द वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इज नोन एज इनिशियलाइजेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट वेरिएबल्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे कि रूल्स क्या होते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे डेटा टाइप्स क्या होते हैं, उसकी रेंज क्या होती है, उसकी साइज क्या होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बिलो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।